उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में जो हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल शुरू किया था उस श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के खनिज से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उन्हीं को प्रश्नों को देखते हुए आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश खनिज चैप्टर लेकर के आए हैं। तो खनिजों से संबंध में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, पहली बात तो जिला पूछा जाएगा, और जिले में भी और कुछ तरीके से डीप में प्रश्न आ जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कौन से जिले का कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आते हैं, तो उन्हीं को लेकर के हम आए हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा पसंद आता है तब। तो सबसे पहले बता दूं, इस तरफ मैप बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश मैप में मैंने कुछ विशेष जिलों को मैंने इसमें दर्शाया है जो खनिज के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने इसमें दर्शा दिया है। तो हम शुरू करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मैं आऊँगा खनिज प्रमुख खनिजों को मैंने इस तरफ लिख दिया है, लेकिन खनिज नीति के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया है, तो उनको मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले याद रखेगा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले परीक्षाओं में आ भी चुका है कि कब की है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, 1974 परीक्षा में प्रश्न आता है। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की खनिज नीति। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब की है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 1998 की है। 1998 की ये नीति है। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कितने जिलों को? 10 जिलों को। परीक्षा में प्रश्न आएगा इन 10 जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है या कौन सम्मिलित है, इस तरीके से प्रश्न आएगा, तो आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। मैं सबके नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन है। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर। नहीं दिख रहा हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, इलाहाबाद, झांसी, मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर ललितपुर, फिर उसके बाद जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा हमीरपुर, इनके नाम याद रखेगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में इनसे आते हैं, 10 जिलों में, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति 1998 उसके अंतर्गत 10 जिले, 10ों के नाम मैंने बता दिया है। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्र, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश खनिज, एक तरफ लिखा हुआ है खनिज, दूसरी तरफ प्रमुख उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो क्षेत्र, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसा है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। तो ये इसके लिए फेमस कौन कौन सी जगह हैं? फेमस है इसके लिए कजराहट एवं रोहतास, ये दोनों किसके लिए हैं? चूना पत्थर के लिए हैं। कहाँ पे? मिर्जापुर में है, याद रखिएगा, चूना पत्थर, कजराहट एवं रोहतास, मिर्जापुर। फिर हम बताएंगे आगे सीमेंट उद्योग में चुर्क डल्ला आएगा, यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। तो कहने का मतलब फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जब इसके में उद्योग क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। तो अभी इतना याद रखिए, चूना पत्थर, कजराहट एवं रोहतास, मिर्जापुर का। फिर एक कोयला का क्षेत्र है सिंगरौली। कोयला क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में है। फिर याद रखिएगा ओबरा और सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र में, इसी सिंगरौली कोयले क्षेत्र से ही लाए गए कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सिंगरौली में जो कोयला का उत्पादन होता है उसका प्रयोग ओबरा और सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ओबरा और ताप सिंगरौली दोनों कहाँ हैं? दोनों सोनभद्र में ही है, ओबरा और सिंगरौली दोनों। फिर नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। पहले याद रखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इसके क्षेत्र कौन से? बांदा एवं चंदौली। मैप में भी देख लीजिए, चंदौली ये है और बांदा ये है, मतलब बांदा और चंदौली दो जगह पे पाया जाता है, बांदा और चंदौली। अब नेक्स्ट याद रखिएगा रेणुकूट की हिंडालको कंपनी जो है वो इस अयस्क को, मतलब कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का कार्य करती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम होता क्या, एक प्रगलन विधि होती है, प्रगलन विधि के जरिए किसी अयस्क से क्या मुख्य धातु बनाई जाती है, याद रखिएगा। बांदा एवं चंदौली रेणुकूट की हिंडालको कंपनी में अयस्क से किसका धातु का निर्माण किया जाता है। फिर हम आते हैं डोलोमाइट के लिए कजराहट क्षेत्र है मिर्जापुर का। कजराहट क्षेत्र मिर्जापुर, मैप में देखिए मिर्जापुर ये है। मैप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी जिला उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिलों में से कोई
एक भी मतलब कि सभी जिलों का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश की विशेष की आपको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से लगा पाएगा। तो जितने भी जिले हैं उनको मैप में डिनोट करते रहिए, इसीलिए मैं मैंने मैप बना दिया है, जो फेमस जिले उनको मैंने इसमें बता भी दिया है जो मैंने इसमें बताऊंगा। आगे जितने भी वीडियो मेरे बनेंगे जिस जिले की चर्चा मैं करूँगा उसको मैं मैप में मैं जरूर बताऊँगा आपको। तो नेक्स्ट देखिए, डोलोमाइट कजराहट छठ मिर्जापुर का, और बांदा, मिर्जापुर ये रहा बांदा ये है, इनको याद रखिएगा। फिर है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के लिए बांदा और ललितपुर, बांदा और ललितपुर, बांदा मैप में वही है और ललितपुर यानी इस तरफ। ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से ही घिरा हुआ है, इसको याद रखिएगा। रॉक फॉस्फेट बांदा एवं ललितपुर। फिर इसके बाद है हीरा, हीरे के लिए बांदा एवं मिर्जापुर, हीरे के लिए कौन फेमस है, बांदा एवं मिर्जापुर, मिर्जापुर ये बांदा ये। फिर इसके बाद देखिए सोना, सोने के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सीमित हैं, सोने के क्षेत्रों में हम देखेंगे तो यमुना एवं रामगंगा एवं शारदा का क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्र यमुना का भी आता है लेकिन याद रखिएगा शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र, शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र। अभी मैंने नदी बताया था रामगंगा, रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी और शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी, तो इन्हीं दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र में। और शारदा को काली के नाम से भी जानते हैं, मैंने बताया था, तो शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र। फिर भीखमपुर है, भीखमपुर, भीखमपुर कहाँ, ललितपुर, मतलब कि सोने के लिए शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र और भीखमपुर, भीखमपुर ललित में है, ललितपुर वही जो मैंने बताया मैप में, ये ललितपुर है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आएगा तांबा, तांबा के लिए सोनराई क्षेत्र है, कहाँ, ललितपुर का, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम के लिए अगर हम देखेंगे यूपी में यूरेनियम सिर्फ कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम सिर्फ पाया जाता है ललितपुर में, मतलब कि यूरेनियम के सीमित भंडार सिर्फ ललितपुर मात्र में ही पाया जाता है, बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं में भी यूरेनियम नहीं पाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेगा, यूरेनियम ललितपुर। फिर इसके बाद में संगमरमर, संगमरमर के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र दो जिले हैं जो फेमस हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र, किसके लिए, संगमरमर के लिए। इनको सब नोट करते हुए चलिएगा तभी आपको समझ में आएगा, समझने का मतलब आप याद भी करना है इसको, परीक्षा बिल्कुल पास है इसलिए इसको याद भी करना है। बाकी जब मैं भारतीय भूगोल में इन सब चीज़ों को बताऊंगा तो एक एक को ले करके, मतलब बॉक्साइट बताएंगे, चूना पत्थर कोयला, तो बिल्कुल डिवीजन कराएंगे कोयले के कितने प्रकार हैं, कहाँ पे कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, इनको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा समय की थोड़ी कमी है, समय की कमी को परीक्षा भी पास में, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इनको अभी याद करते हुए चलिए क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस किसके लिए, मिर्जापुर में है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस मिर्जापुर, मतलब कि एस्बेस्टस मिर्जापुर, यही परीक्षा प्रश्न आता है एस्बेस्टस मिर्जापुर। फिर है जिप्सम, जिप्सम के लिए झांसी हमीरपुर, झांसी और हमीरपुर जिप्सम के लिए जाने जाते हैं। फिर है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लिए हमीरपुर जाना जाता है, मैप में देख लीजिए हमीरपुर, महोबा और बांदा झांसी बस तीनों के ऊपर के क्षेत्र में जिला है, इसको बोलते हैं हमीरपुर, याद रखिएगा हमीरपुर को। फिर उसके बाद में कांच बालू या सैंड स्टोन बोलते हैं, कांच बालू, कांच बालू के लिए गंगा तथा यमुना नदी क्षेत्र है, कांच बालू, गंगा तथा यमुना नदी क्षेत्र, याद रखिएगा गंगा तथा यमुना नदी क्षेत्र, मतलब कि यमुना नदी इस तरीके से यमुना और ऊपर की तरफ से जो गंगा आती है तो उसी का जो क्षेत्र है उसी के लिए फेमस है गंगा नदी क्षेत्र, याद रखिएगा। तो इनको याद रखिएगा जो भी है गंगा एवं यमुना नदी क्षेत्र। उसके बाद में सेलखड़ी है, सेलखड़ी, सेलखड़ी के लिए हमीरपुर और झांसी फेमस है, हमीरपुर और झांसी, मैप में देख लिए झांसी ये है और हमीरपुर उसके ठीक पास में है। तो उत्तर प्रदेश के खनिज के चीज़ों को लेकर के आज ही इतना ही, मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्यों से, मतलब कि सांस्कृतिक क्षेत्रों को मैं बताऊंगा, संगीत कला वगैरह के में, इसे परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।